सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। स्वास्थ्य विभाग नूह ने सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में मेवात कोविड टेस्ट मोबाइल वैन के नाम से एम्बुलेंस को मॉडिफाई किया है। इस वैन के माध्यम से गांव-गांव कोरोना के लिए सैंपलिंग की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों को कोरोना सैंपल देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत गर्मी के मौसम में ना हो, साथ ही उसका ज्यादा समय बर्बाद ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक एम्बुलेंस को अस्पताल का रूप दिया है। इस एम्बुलेंस में सवार होकर कोरोना का टेस्ट लेने के लिए डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाएगी, जो वहीं पर संदिग्ध मरीजों का सैंपल लेने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब ज्यादातर लोगों को सैंपल लेने के लिए बसों या एम्बुलेंस में बैठाकर अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में लाया जाता है, जिससे समय और धन की बर्बादी हो रही है। इसके अलावा इस नए कदम से सैंपल लेने की गति को भी बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में डॉक्टरों के बैठने के अलावा सैंपल लेने के सभी उपकरण उपलब्ध रहेंगे, जो एम्बुलेंस में बैठे बैठे नीचे खड़े मरीज का सैंपल उसी जगह पर ले सकेंगे। ये सैंपल के जो लेने का, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स है वो 40 से 50 हम प्रतिदिन, इस पे हमने एक टारगेट रखा हुआ है। टोटल जो टारगेट है, हम उनमें रोजाना 100 सैंपलिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ एरिया बहुत दूर दराज के थे, जैसे एमपी अहीर जैसी ऐसी हमारी पीएचसी है जो तकरीबन यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ती है मांडीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल से, तो सैंपल लेने में और लाने में और ले जाने में जो पेशेंट्स को तकलीफ होती थी, और अब रमजान का महीना और गर्मी को देखते हुए ये था। जहाँ तक आइडिया है, इससे पहले एक तिरंगा नाम की कुछ जगह पर लोगों ने एक स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें रैपिड टेस्ट किट से वो कोशिश कर रहे थे। रैपिड टेस्ट किट में बड़ा ईजी रहता है कर पाना, क्योंकि उसमें पेशेंट से संपर्क डायरेक्ट नहीं होता। इसमें हमने जो मेन सैंपल था, जो आरटीपीसीआर के लिए नेजल और ओरल फेंजल स्वैब जो लेना होता है, उसमें हमने मॉडिफिकेशन दूसरों के मुकाबले में सबसे अच्छी जो चीज़ की हमने मॉडिफाई हम कर पाए, उसमें पेशेंट का सैंपल कभी भी अंदर नहीं जाता है। उसका कॉन्टैक्ट जो है पेशेंट से ना हमारे डॉक्टर का होता है, और सैंपल बाहर ही लिया जाता है, और बाहर की बाहर उसको पैक करके आइस बॉक्स में बाहर रख दिया जाता है, और वहीं से वहीं सैंपल वो पैक हो जाएगा, बाद में सिविल हॉस्पिटल जाके लैब में भिजवा दिया जाएगा। आइडिया सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि एक तो यहाँ मुस्लिम बहुल्य इलाका था, कुछ दिक्कत आती हैं, लोग सैंपलिंग के लिए भी आने में भी दिक्कत करते थे, और रमजान को देखते हुए भी, तो हमने इनकी सुविधा के लिए ये किया ताकि इनको इसमें कोई दिक्कत ना आए इस गर्मी के महीने में और इस पवित्र महीने में, ताकि सैंपलिंग इजीली हो सके। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।